हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूं अंकित शर्मा और आज आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। और आज इस वीडियो में बात करने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स जो कि आप 20,000 रुपये में खरीद सकते हो इंडिया में मार्च 2020 में। और जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हाल में ही जो GST में इजाफा करा गया है, मतलब कि मोबाइल्स फ़ोन्स पर लगने वाले GST को 12% से बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप 20,000 रुपये का स्मार्टफोन पहले लेते थे तो अब उस पर 6% एक्स्ट्रा GST आपको पे करना पड़ेगा और यहाँ पर उसकी कीमत 21,200 रुपये हो जाएगी। तो अभी जो समय है ना, वो बेस्ट समय है अगर कोई स्मार्टफोन आप लेना चाहते हो। और मुझे कई सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है 20,000 रुपीज के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ना, आप लोगों की हेल्प कर दिया जाए। और यहाँ पर जो 10,000 से 20,000 रुपीज वाला बजट सेगमेंट है ना, वो काफी ज्यादा ऐसा बजट सेगमेंट है जहाँ पर काफी ज्यादा डिमांड्स रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि कोरोना का काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुका है और यहाँ पर अब इंडिया में भी कोरोना आ चुका है, तो प्लीज सारे मेजर्स को फॉलो करो, सेफ्टी लो, हैंड वॉश करो, यहाँ पर सैनिटाइजर्स यूज करो, बाहर जाना अवॉइड करो, खासकर भीड़ वाले इलाके में। और यहाँ पर सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करो और हम साथ मिलकर किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले बजट सेगमेंट है जो कि है 15 से लेकर 20,000 रुपये वाला बजट सेगमेंट, तो यहाँ पर मैं आपको अपने 4 टॉप रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो ये आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M31। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो पोको X2 है। तीसरा जो स्मार्टफोन है वो भी शाओमी की तरफ से आता है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। और जो लास्ट फ़ोन है उसका नाम है रियलमी 6 प्रो। और यहाँ पर मैंने इन चारों स्मार्टफोन्स को रैंक दे रखे हैं। सबसे पहले इस बात करते हैं सबसे आखिरी वाले रैंक के बारे में, मतलब कि 4th रैंक के बारे में, तो इसको मैं देना चाहूँगा रियलमी 6 प्रो को। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको भले ही बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, 30 वॉट की वोक चार्जिंग देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसकी कीमत की शुरुआत होती है 16,999 से, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस है क्योंकि यहाँ पर आपको 6GB रैम और 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन आपको 17,000 रुपये में मिलता है। और अगर आप 8GB रैम और 128GB वाला मॉडल लोगे तो यहाँ पर आपको 19,000 रुपये पे करने होंगे, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस है। लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, आप इसके साथ जा सकते हो। अब दोस्तों अगर बात करें हमारे लिए इसके तीसरे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जिसको मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, वो आता है सैमसंग की तरफ से, इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M31। इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात यह है कि ये स्मार्टफोन बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन है और यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। तो अगर आपको एक बैटरी वाला, ज़्यादा हैवी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, अगर आप ज़्यादा कॉल्स करते हो और आपको टाइम नहीं मिलता है स्मार्टफोन चार्ज करने का ज़्यादा, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। यहाँ पर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है, बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो प्रोसेसर है और बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। और यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे रियलमी 6 प्रो से, पोको X2 से या फिर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स से, तो उनके जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू एक्जीनोस 9611। तो यहाँ पर मैंने इसलिए स्मार्टफोन को तीसरे नंबर पर रखा है। और यहाँ पर जो स्मार्टफोन की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 15,000 रुपये से ही शुरू होता है। आपको यहाँ पर 64GB वाला मॉडल आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप जाते हो हायर वेरिएंट में तो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा 6GB रैम और 128GB वाला मॉडल के लिए सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस पॉइंट रखा है सैमसंग ने, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है। अब दोस्तों अगर बात करें हमारे सेकंड टॉप रिकमेंडेशंस के बारे में जो कि आता है शाओमी की तरफ से, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। और जो स्मार्टफोन में आपको हार्डवेयर देखने को मिलता है वो बिल्कुल सिमिलर है इन कंपैरिजन टू रियलमी 6 प्रो, लेकिन इस स्मार्टफोन का जो प्राइस पॉइंट रखा गया है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत की शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये से। यहाँ पर आपको 6GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर आपको 6GB रैम प्लस 128GB वाला मॉडल सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपये में मिल जाएगा, जिस कीमत पर आपको रियलमी 6 प्रो की शुरुआत होती है। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। 25 मार्च 2020 से इसकी सेल की शुरुआत है, तो आप वहां पर जाकर Amazon से ले सकते हो या फिर MI.com से ले सकते हो। तो दोस्तों अब समय आ गया है सबसे मेरा टॉप रिकमेंडेशन आपको देना, जो कि आता है Xiaomi की तरफ से पोको X2। ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। स्मार्टफोन की कीमत की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 15,999, मतलब कि 16,000 रुपये से होती है। और यहाँ पर आपको 6GB रैम और 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा। आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।
और साथ साथ आपको बॉक्स में भी फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आपको कैमरा देखने को मिलता है वो बेटर मिलता है रियलमी 6 प्रो से। और यहाँ पर जो आपको सोनी का IMX686 वाला सेंसर देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और यहाँ पर इसको और भी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको स्मार्टफोन लेना है और आपकी बजट 15 से 20 हज़ार रुपये है तो मेरा टॉप रिकमेंडेशन होगी कि आप पोको X2 लें, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अब दोस्तों अगर बात करें, अगर आपकी बजट 10,000 रुपये से 15,000 रुपये है और इसके बीच में आप अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो और कन्फ्यूज हो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको 3 टॉप रिकमेंडेशन देना चाहूँगा जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा रियलमी का रियलमी 6, दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो शाओमी का रेडमी नोट 9 प्रो है, और जो तीसरा रिकमेंडेशन है वो शाओमी का ही रेडमी नोट 8 प्रो है। ये तीनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेक्स हार्डवेयर के साथ और प्राइस पॉइंट पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधे बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन मेरा टॉप रिकमेंडेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप Realme 6 के साथ जाएं, क्योंकि ये स्मार्टफोन में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है और आपको 30 वॉट की वूक चार्जिंग देखने को मिलती है, साथ साथ चार्जर भी दिया गया बॉक्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 4300mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, हालांकि जो कैमरा है वो सिमिलर है रेडमी नोट 9 प्रो से, लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन करा गया है रियलमी 6 में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करा गया है, इमेज की क्वालिटी निकल कर आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है रियलमी 6 में। तो गाइस यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रेडमी नोट 9 प्रो को हाल ही में लॉन्च करा गया, जिसकी वजह से अभी ऑब्वियसली बात है कैमरा ऑप्टिमाइज नहीं होगा, लेकिन एक दो अपडेट के बाद यहाँ पर जो कैमरा है वो और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और अगर आपको रियलमी की स्मार्टफोन्स पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेडमी नोट 9 प्रो के साथ भी जा सकते हो या फिर आप रेडमी नोट 8 प्रो के साथ भी जा सकते हो, दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा अच्छे स्पेक्स के साथ आते हैं। तो गाइज यही था मेरा यहाँ पर टॉप रिकमेंडेशंस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर पॉपअप हो रही है, यहाँ पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप यहाँ पर मुझे जाकर फॉलो कर लो। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब ही कर लो, क्योंकि ऐसे टेक रिलेटेड कॉन्टेंट मैं हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। We'll be right back.